केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है कि जो लोग बेघर हैं उनको आवास उपलब्ध कराया जाए, लेकिन इस योजना पर ठेकेदारों के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा ही मामला डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम खेरी का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दो महिलाओं के मकान का निर्माण छिटिया के ठेकेदार द्वारा किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने रुपए ले लिए और उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं किया, जिससे वो परेशान होकर ठेकेदार के खिलाफ शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंचे। हमारे संवाददाता ने पीड़ित महिलाओं से बात की और उनकी परेशानी को जाना, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत जो आवासहीन व्यक्ति है उनको आवास मुहैया कराना सरकार की मंशा है, लेकिन इनकी मंशा पर पानी फेरते हुए लगातार जो है ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत धौरा भाटा के आश्रित गांव खैरी का। यहां पर हमारे साथ दो महिलाएं खड़ी है। इनका कहना है कि इनके लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, अच्छी बात है, और इन्होंने स्वीकृत होने के उपरांत ठेकेदार को लगभग 1 लाख रुपया भी दे चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक उनके घर का निर्माण नहीं किया गया है। लगातार चौकी जाने से इनके चप्पल तक घिस गई हैं। लगातार विभागीय अधिकारियों के चौखट में जा जाकर ये महिलाएं काफ़ी परेशान और प्रताड़ित हो गई है। तो आइए जानते हैं उनकी क्या तकलीफ है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मीना। आपका पीएम आवास नहीं बना है? नहीं बनी। परेशानी भिड़े हन, तब जाओ वहाँ थाना में पूछते है करी और बला ही तम कही ऐसे की थी तो हम आथन थाना जाथन खाली। क्या नाम है आपकी, क्या समस्या है? मोरो तो ही समस्या है, अब घर ला बना सही थाना जाए बस की है कर अथन घर बन नहीं पात है, वो अति कति दिन हो गए बनात नहीं है ठेकेदार। ये तो पीड़ित महिलाएं, इनका कहना है कि पीएम आवास स्वीकृत होने के बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शासन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ केंद्र सरकार की मेगा प्रोजेक्ट है और उनकी मंशा है कि भारतवर्ष के जितने भी आवासहीन व्यक्ति हैं उनको आवास का लाभ दिया जाए, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही या विभागीय लापरवाही कहे, ऐसे में योजनाओं का लाभ आखिर इनको कैसे मिल पाएगा। विद कैमरा पर्सन पटेल के साथ दखल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।